दुष्यंत जी ने कई दफा कहा है भी अगर इस मामले में उनकी कहीं जरूरत हो किसान नेताओं को तो वो मध्यस्थता करने को भी तैयार है और वो खुद चाहते हैं कि मामला ठीक ढंग से सुलटे। लोगों का मानना है कि दुष्यंत जेजेपी पार्टी मौके की तलाश में है, जिस दिन उनको मौका मिला चुनाव से पहले अवश्य सरकार गिरेगी। राजनीतिक पार्टियां उसमें इस आंदोलन को हवा दे रही हैं, कांग्रेस है, सीपीएम सीपीआई है, दूसरी और पार्टीज हैं कई, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बीच में घुस रही है, इसमें वो नहीं होना चाहिए। नमस्कार, समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज समाचार कैरी कार्यालय में पंचकुला जेजेपी अध्यक्ष श्री ओपी सिहाग जी, आपका स्वागत सम्मान। धन्यवाद जी राजेश जी, और आपके चैनल का भी शुक्रिया, आप यहाँ मेरे इंटरव्यू लेने मुझे बुलाए हैं, तो सबसे शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। ओपी सिहाग जी एक पंचकुला जेजेपी अध्यक्ष हैं, आज कुछ मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, हरियाणा में भाजपा और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, किसान एक ऐसा मुद्दा है जो भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, लोगों का ध्यान है। हम सब समाज के लोग सोचते हैं कि 3 महीने के बाद भी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, क्योंकि हरियाणा सरकार का मुद्दा है, इसको हल नहीं कर पाए हैं, इस पर संक्षिप्त में जो राजेश जी देखिए, वैसे तो ये मुद्दा आपने कहा ना हरियाणा सरकार का, हरियाणा सरकार का नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। और इसमें जहाँ तक बात है जननायक जनता पार्टी की, हमारे नेता दुष्यंत जी लगातार प्रयासरत हैं कि ये मामला सुलटे, क्योंकि वो खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दुख दर्द तकलीफों को समझते हैं, और उन्होंने सरकार के अंदर रहकर बहुत प्रयास किए हैं। जहाँ वो प्रधानमंत्री जी मिले हैं, गृहमंत्री से, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग सबसे मिले हैं, अब भी प्रयास कर रहे हैं किसी तरह मामला एमिकेबली ठीक हो, और किसान भाई वहाँ जितने दिन बैठे हैं, इस चीज़ की पार्टी को भी, हम सबको दुख है, तकलीफ में वो लोग हैं, तो हमारी कोशिश यही है पार्टी की कि किसी तरह मामला जल्दी सुलटे और किसान जो है अपने घर जाए और उनको कोई इस तरह दिक्कत ना हो। सरकार की तरफ से ऐसा कोई सुझाव, ऐसा कोई प्रस्ताव उनके बिहाफ पर आपकी तरफ से किसानों के लिए कोई दो शब्द, कोई संदेश? देखिए दुष्यंत जी ने कई दफ़ा कहा है और आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, स्टेटमेंट दिए है और उन्होंने मैसेज भेजे हैं भाई, अगर इस मामले में उनकी कहीं जरूरत हो किसान नेताओं को तो वो मध्यस्थता करने को भी तैयार है, और वो खुद चाहते हैं कि मामला ठीक ढंग से सुलटे। किसान वहाँ पर जो बैठे हैं इतने दिनों से, देखो दुख सबको है, हमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसमें अब आगे लग रहा है कि राजनीति भी शुरू हो गई है, और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसमें इस आंदोलन को हवा दे रही हैं, कांग्रेस है, सीपीएम सीपीआई है, दूसरी और पार्टीज हैं कई, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बीच में घुस रही है इसमें, वो नहीं होना चाहिए। और किसानों के तो हक में, जैसा मैंने कहा, किसानों की समस्त पार्टी हमारे किसानों के साथ है, अंदर रह के सरकार के अंदर रह के उनकी लड़ाई उसे जी लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेट की, क्या हरियाणा भाजपा और जेजेपी गठबंधन 5 साल पूरे कर पाएगा? दिक्कत क्या रही है? लोगों का मानना है, राजनीतिक गुरुओं का मानना है कि दुष्यंत जेजेपी पार्टी मौके की तलाश में है, जिस दिन उनको मौका मिला चुनाव से पहले अवश्य सरकार गिरेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दुष्यंत जी ने कई दफा स्पष्ट किया है, और एक जबरदस्त तालमेल आपस में सभी कार्यकर्ताओं में, और जिसने पार्टी की लीडरशिप है, और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, उससे आगे भी आएगी, क्योंकि जन लोगों के हित में जो सरकार काम कर रही है, और आगे अभी लगभग 3.5 साल और पड़े हैं, आप देखना किस ढंग की स्कीमें गवर्नमेंट जो ले रही है, और खासतौर पर दुष्यंत जी के पास जो महकमे हैं वो उनमें अब ठीक करने में लगे हुए हैं, वहाँ जो दिक्कतें थी और थी सारी, और एक नए तरीके से हर महकमे के अंदर कार्रवाई हो रही है, और पीपल फ्रेंडली वहाँ का जो वातावरण है वो बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और जैसा मैंने कहा 5 साल के आगे भी आएगी,
और जनहित काम आगे सरकार ने बहुत करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन को और अच्छा चल रहा है, मिलकर चल रहे हैं सारे। जैसे भाजपा गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार धड़ल्ले से काम कर रही है, 5 साल पूरे करके फिर से जनता का दिल जीत कर सरकार में आएंगे, अच्छा कार्य करेंगे।